Subscribe to Rakesh Tech World and click on bell icon to get notification on latest technology video. दोस्तों, अगर आपका प्रिंटर खरीदने का प्लान है तो आपके मन में जरूर ये कंफ्यूजन रहता होगा कि मुझे कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, इंकजेट लेना चाहिए या लेजर लेना चाहिए, कौन सा मेरे लिए यूजफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो में हम आगे करने वाले इसी के बारे में बातें। जानने के लिए देखते रहिए राकेश टेक वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसके बारे में बातें, जान लेते हैं कि ये प्रिंटर कैसे काम करते हैं, इनमें क्या यूज होता है, क्या है इनके प्रोज एंड कॉज, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं बाकी के क्वेश्चन की तरफ। तो भैया, जो इंकजेट प्रिंटर है वो काम करता है इंक पे। आपको वहां पर इंक वगैरह के कार्ट्रिज वगैरह होते हैं जो कि आपको उसमें डालने होते हैं, उसके बेसिस पे वो काम करता है। और जो आपका लेजर प्रिंटर होता है वो काम करता है टोनर पे। वो टोनर एक पाउडर टाइप का होता है, वो पाउडर उसमें डालना पड़ता है, मतलब वो टोनर कम्प्लीटली पाउडर पैक के साथ आता है। आपको उसमें पाउडर डालना होता है टोनर में, और उसी के बेसिस पे वो हीट होके और प्रिंट वगैरह कर देता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों प्रिंटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, शायद उसके बाद आपका डिसीजन चेंज हो जाए। तो इंकजेट प्रिंटर है वो चीप होता है, इतना कॉस्टलियर नहीं होता। आपको ये कलर प्रिंटर भी है वो काफी सस्ते में अवेलेबल हो जाएगा। ये प्रिंटर इंक बेस्ड पे काम करता है। वैसे तो ये चीप होता है लेकिन इसकी इंक कॉस्टलियर होती है। अगर आपको ज्यादा प्रिंट वगैरह निकालने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसे यूज करना है, ज्यादा प्रिंट निकालने, तो उस केस में ये थोड़ा कॉस्टलियर पड़ जाता है। अगर बात करें इसके साइज की, ये कॉम्पैक्ट होता है जिससे कि अगर आप डेस्क पे कम स्पेस है तो भी आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं, आप किसी कॉर्नर वगैरह में आसानी से रख के यूज कर सकते हैं। तो बात करें इसके प्रिंटिंग की, आप फोटो वगैरह और टेक्स्ट वगैरह आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करें लेजर प्रिंटर की, लेजर प्रिंटर जो होता है थोड़ा कॉस्टलियर होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपको ज्यादा प्रिंट वगैरह यूज करने हैं तो आपको लेजर प्रिंटर ही खरीदना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा प्रिंट एक साथ निकाल लेता है, स्पीड ज्यादा होती है। अगर आपको 100 200 300 प्रिंट निकालने हैं एक टाइम पे तो वो आसानी से जल्दी जल्दी यहाँ पर प्रिंट कर देगा। इसकी कॉस्ट कम होती है पर प्रिंटिंग, मतलब एक पेज की अगर इंकजेट से कंपेयर करें तो प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी कम पड़ती है, क्योंकि इसकी कार्ट्रिज वगैरह जो है वो चीप होती है, और मतलब थोड़ी सी उसमें कार्ट्रिज में ज्यादा प्रिंट आपको निकाल कर दे सकता है। अब यहाँ बात करें डिसएडवांटेज की, तो लेजर प्रिंटर के जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि स्टार्टिंग में थोड़ा कॉस्टलियर पड़ता है, लेकिन बाद में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सही। तो लेजर प्रिंटर जो है साइज में थोड़ा बड़ा होता है, कैरी करने में थोड़ा मुश्किल होता है इसमें, तो ये सबसे बेस्ट होता है अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। अगर आप फोटो वगैरह या स्टिकर वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए लेजर प्रिंटर ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये हीट बेस पे काम करता है, आपकी कार्ट्रिज को हीट देता है जिसकी वजह से वो प्रिंटर पे आपके पेपर पे छपता है जो कुछ भी टेक्स्ट होता है, और हीट की वजह से ही यहाँ पर फोटो वगैरह और स्टिकर वगैरह जो है ये प्रिंट नहीं हो पाएंगे, हीट की वजह से ये यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपको फोटो वगैरह प्रिंट करनी है तो आपको जाना होगा इंकजेट प्रिंटर की तरफ, अगर आपको टेक्स्ट वगैरह यूज करना है तो आपको जाना होगा यहाँ पर लेजर प्रिंटर की तरफ। वहीं अगर बात करें इंकजेट प्रिंटर के डिसएडवांटेज की, इंकजेट प्रिंटर का डिसएडवांटेज यही है कि भैया अगर आप इसे थोड़े लंबे टाइम तक यूज नहीं करते हैं तो इसकी इंक वगैरह जो है वो जम जाती है, जिससे कि अगर आप सर्विस कराने जाते हैं तो काफी कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आपके पास इंकजेट प्रिंटर है, आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको 10-15 दिन में कोई 2-4 प्रिंट निकालने यहाँ पर जरूरी होंगे, जिससे कि आपकी इंक वगैरह क्लोग ना हो, नोजल वगैरह क्लोग ना हो, और आसानी से मतलब आप इसे फ्रिक्वेंटली यूज कर पाए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कोई प्रिंटर वगैरह खरीदने जा रहे हैं। होपफुली मैंने ये सब चीजें बताई है, तो ये सब आपके यूजेज पे डिपेंड करता है कि आपका यूज क्या है, कितना है और किस बेस पे करना है, उसी बेसिस पे आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कौन सा प्रिंटर लेना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल कम बैक विद सच टाइप ऑफ मोर टेक वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।